ये देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि टू डिस्क है, हम लोग के पास दो डिस्क है और उन दोनों की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, देयर आर टू डिस्क, इधर मैं सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है। दो डिस्क है हम लोग के पास और उनकी अपनी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अलग अलग ओमेगा से अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहे थे, ठीक है। अब जब उनको एक के ऊपर दूसरे को रखा गया, फेस टू फेस रखा गया, तो एक दूसरे से कोइंसाइड सेम एक्सिस, तो एक्सप्रेशन पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा। चलो एक डिस्क ये था अपनी खुद की एक्सिस पर ओमेगा से रोटेट कर रहा था, और दूसरे डिस्क को मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ठीक है। तो ये दूसरा डिस्क था और ये अपनी एक्सिस पे खुद ओमेगा टू से घूम रहा था, और ये कितने से घूम रहा था यार, ओमेगा वन से। जब इनका मैं फेस टू फेस कंबाइंड किया, मतलब एक के ऊपर एक रखा, एक ऐसे रखा, इसके ऊपर दूसरा रखा लाके, इसके ऊपर दूसरा डिस्क रखा, फेस टू फेस कंबाइंड किया हूं इस तरह से, ठीक है, समझना। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, एक के ऊपर एक रख दिए, तो इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस आएगा ये मुझे निकालना। अब लॉस कैसे निकालेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी में, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से माइनस कर दोगे तो लॉस आ जाएगा। सबसे पहले इन दोनों की इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखो। अब जब ये एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, कुछ टाइम बाद ये कॉमन ओमेगा से घूमेंगे, कुछ टाइम बाद ओमेगा इनका सेम हो जाएगा, ठीक है, और वो कॉमन ओमेगा से घूमेंगे तो हमें कितना लॉस हुआ। चलो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखो, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है आई, ठीक है, टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई है, ये भी आई है, तो यहाँ टू आई हो गया, ठीक है। चलो तो कॉमन ओमेगा, चलो तो लॉस निकालने के लिए सबसे पहले इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखो, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा टू का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आई वाई टू ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टू स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फाइनली जब लिखोगे काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनली, तो इनका जो है एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो, मतलब हाफ हाफ आई, आई मतलब टू आई, और इनका ओमेगा सेम हो गया, मतलब यह आ जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। तो दिस इज द लॉस, मतलब पहले वाले में से दूसरे को घटा दो, घटा ही नहीं सकते तुम क्योंकि एक नया वेरिएबल ओमेगा आ गया यार, और ओमेगा हमारा सोल्यूशन आई ओमेगा वन और आई में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नया वेरिएबल जनरेट हुआ है ओमेगा, कितने से कॉमन ओमेगा कितना है उसको मुझे निकालना पड़ेगा भाई, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कुछ और लॉ लगाते हैं जिससे हम ये कैलकुलेट कर पाएं, ऐसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसको। एक काम करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं, जब एक के ऊपर एक रखा जाएगा तो नेट टॉर्क जीरो है, क्योंकि यहाँ पर एम जी लग रही है और एम जी नीचे लग रही है और नेट टॉर्क क्या है, जीरो, टॉर्क है ही नहीं, ठीक है। यहाँ भी एम जी लग रही है, उसका टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो है, ठीक है। तो एंगुलर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, तो आई ओमेगा वन प्लस आई ओमेगा टू इज इक्वल टू आई वन, मतलब टू आई और ओमेगा, आई प्लस आई, इसका आई ने आई को खत्म कर दिया, तो कॉमन ओमेगा जो है वो ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू और डिवाइडेड बाई टू, ये वो कॉमन ओमेगा है जिससे ये दोनों रोटेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ये इसको ले जाके यहाँ पर रख दो तो आई और ओमेगा का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब आई बाई फोर, मतलब ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू का स्क्वायर, ठीक है, हाँ ओमेगा वन प्लस ओमेगा। अब मैं इसको माइनस बड़े आराम से कर सकता हूँ ना, चलो तो घटा दूँ इसमें फाइनल ये। तो लॉस अगर मैं निकालूँ, तो लॉस निकालने के लिए लॉस अगर मैं निकालूँ लॉस, तो यहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये वाली थी आई बाई टू, आई बाई टू ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टू का स्क्वायर, और माइनस कर दूँ मैं, ठीक है, आई बाई फोर ओमेगा वन, आई बाई फोर ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू
का होल स्क्वायर, ठीक है ये, चलो तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और i बाई 4 कॉमन ले लो, ठीक है। तो i बाई 4 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचा 2, ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई के, तो यह जाएगा 2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर और माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये सब माइनस यह जाएगा माइनस 2 ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ठीक है। ये ओमेगा 1 ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोल दिए, इसका मतलब ये हुआ कि i बाई 4 सॉल्व कर लो, 2 ओमेगा 1 मतलब ओमेगा 1 स्क्वायर और ये प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे, पूरा इसको सॉल्व करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो i बाई 4 दैट इज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, दैट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ i बाई 4 ओमेगा 1 मतलब ये हुआ, ठीक है, कि होल स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है।